लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे अगर तुझे विशाखा की खुशी का इतना भी ख्याल है ना तो तू उसकी शादी की किसी भी रस्म में शामिल नहीं होगी। अब बेटा जल माटी के पूजा के लिए बेला जाएगी तुम्हारे साथ। विशाखा की मौसेरी बहन है वो। बड़ा बेटी बेटी कहते फिरते थे राधिका को, आज दिखाई दिया ना अपने अपने होते हैं और पराए पराए। तो जानते हो ना काना, गलती मेरी नहीं थी। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है काना। मैंने तुम्हारी कसम नहीं तोड़ी है। पूजा का जो पानी मुझ पर गिरा है इसे एक भूल मान लेना। इसकी वजह से विशाखा की शादी पर कोई आंच बताने देना। इतनी सी बिनती है कान, बस इतनी सी। कितनी प्यारी लग रही है हमारी बेटी। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि पुरोहित जी के बेटे देव ने इसे पसंद किया। दतौनी हो रही है तुम्हारी। मुक्ता हाँ? सबने जलपान कर लिया? हाँ सबने जलपान कर लिया, सिर्फ काका जी बचे हैं, वो पूजा करके जलपान कर लेंगे। ठीक। नंदू बेटा क्या देख रहे हो? जलेबी। ओ जलेबी खाओगे? शंभू बेटा तनिक ठंडी करके नंदू को जलेबी देना और शीघ्रता से हाथ चलाओ, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। चाय चाय ले लीजिए जी। हाँ? हाँ, हाँ, हाँ। क्या हुआ जी?
कहाँ खोए हुए हैं आप? सोच रहा था कि बेटियां देखते ही देखते कितनी शीघ्रता से बड़ी हो जाती है। अभी जैसे कली की बात है, विशाखा के नटखटपन से पूरा घर गूंजता रहता था, और अब वही बेटी इतनी बड़ी हो गई कि उसका ब्याह हो रहा है। बेटी को तो दूसरे के घर की अमानत समझकर ही पाला जाता है जी, पर सब जानते हुए भी ब्याह करते वक्त आंखें नम हो ही जाती हैं। हाँ, परंतु प्रसन्नता की बात यह है कि विशाखा का ब्याह एक बहुत ही भले घर में हो रहा है। रानी बना के रखेंगे हमारी बिटिया को। हाँ, लगता है ठाकुर जी ने सारे व्रत और उपवास का फल एक ही बार में दे दिया। मैंने तो सोच के रखा है देवकी जी कि विशाखा के ब्याह के पश्चात पूरे माह की दान दक्षिणा केवल मंदिर के उद्धार में व्यय करेंगे हम। बहुत ही अच्छा विचार है जी। वैसे भी विशाखा इतने बड़े घर की बहू बन रही है कि इसके बाद चाहने के लिए कुछ और बचता भी नहीं है जी। और ये उठा रहा शाखा, भगवान के लिए फोन उठाओ यार, क्या कर रहे हो? अरे संभाल के, गिर मत जाना, गिर मत जाना। सुनो भैया, ये बल्ब की झालर जो है ना, छज्जे के साथ साथ लगाना, अधिक नीचे मत लटकाना। जल्दी करो, बारात आने का समय हो रहा है। ए, सुनो भैया, वो बाजे वाले आ गए कि नहीं आ गए? जाके देख क्या। और अरे राम, लल्ला बड़े परेशान लग रहे हो। दोस्त, मैंने सुना है कि तुम किसी चिरैया को हमारे यहाँ डायरेक्टर साहब से मिलाने लाए हो। कहाँ है? उसी को फोन लगा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। यू नो यार, ये तो छोटे शहर की लड़कियां होती है ना, ये बस बड़े बड़े ख्वाब देखती हैं हीरोइन बनने के। अगर इस लड़की की बजाय कोई मुंबई शहर की लड़की होती ना, तो 8 बजे की मीटिंग के लिए ठीक 6 बजे यहाँ पहुंच जाती। वो भी आती होगी असिस्टेंट साहब, प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट। शाखा फोन उठाओ यार, प्लीज। ए पुष्पा, मिठाई का थाल सजा या नहीं? हाँ। वो जाके देख लो, हलवाई ने कचौड़ियाँ तलनी शुरू की कि नहीं। अच्छा। अरे रमेश बेटा, पीछे वाली दीवार पे एक भी फूल नहीं सजा है, जा जाके जल्दी देख। अरे शशि, चलो मेरे साथ चल के पूजा की थाली तैयार करवा लो। और फिर वो नंदू बेटा, मिठाई खाई तुमने? चलो बहुत अच्छी बात है। अरे फूल वाले दीदी बहुत अच्छी है। अच्छा नंदू, मेरे लिए थोड़ा सा पानी लिया। छोड़ो लल्ला, छोड़ो लल्ला, एक बात बताओ यार, आखिर इस लड़की में ऐसी क्या बात है हा? जो तुम इसकी मीटिंग के लिए इतने उतावले हुए पड़े हो। ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बल्कि पूरे वृंदावन की परी है परी। आपके पूरे मुंबई शहर में एक भी ऐसी लड़की नहीं मिलने वाली, खुद ही देख लो। आजकल हर चैनल पर सिर्फ और सिर्फ छोटे शहरों की लड़कियां छाई हुई हैं। नहीं, इसे सिर्फ एक चांस मिलने की देर है, देखना पूरे इंडिया में आग ना लगा दे, मेरा नाम बदल देना। पर ये लड़की जब यहाँ पर आएगी तभी तो ऊपर जा पाएगी। उसे फिर से ट्राई करता हूँ। कर ले ट्राई। शाखा फोन उठाओ। ये फोन की घंटी कब से बज रही है, कोई उठाएगा कि नहीं? क्या कर रही है बेटा? हल्दी के बाद लड़की का यूं पूरे घर में घूमना शोभा नहीं देता। नाते रिश्तेदार देखेंगे तो 100 तरह की बातें करेंगे। जा जल्दी से अपने कमरे में जा।
जा ना बेटा। हेलो हेलो हेलो, बेटा तुम लोग बाहर जाके खेलो। चलो देख यार, मैं तो डायरेक्टर साहब को साफ साफ कहने वाला हूँ कि कोई लड़की वड़की आने वाली नहीं है, समझ गया ना? अपनी राम कहानी अब खत्म करो। मैं मिश्रा जी, चाहे इतनी देर रुके, वहाँ एक घंटा और सही, मैं खुद जाकर उसे लेकर आता हूँ। ठीक है लल्ला, लेकिन अब जल्दी करना यार, तुम जानते हो ना कि डायरेक्टर साहब को इंतजार करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं क्यों गया और यूं आया? उस गधे पूरब की तो बात ही नहीं माननी चाहिए थी। जिस दिन ये रिश्ता तय हुआ था, अगर उसी दिन घर से भाग गई होती तो आज मेरी फिल्म का मुहूर्त हो रहा होता। लेकिन नहीं, मेरी किस्मत में ही शादी का फंदा लिखा हुआ। विशाखा, तू अभी तक ऐसे ही बैठी है? तुझे अब तैयार होना शुरू कर देना चाहिए बेटे। इसको तैयार करवाना अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है। जल्दी कर लेना बेटा। हाँ नंदू, ये फूल जाकर विशाखा दीदी को दिया। कौन से फूल है ये? गजरा है, मैंने अपने हाथों से विशाखा के लिए बनाया है। अब विशाखा दीदी के कमरे में नहीं जा सकते? जाऊंगी ना, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी विशाखा तैयार हो रही है और ये भी एक रस्म है। आप सब बस दूर से ही देखेंगे, भूलना मत। मैं भी शादी आपके साथ दूर से ही देखूंगा। ठीक है, अब तू जा, भूलना मत। नहीं भूलूंगी, हम दोनों मिलकर ये शादी देखेंगे। तू अब जा। नंदू तो बड़ा समझदार हो गया। लो शीला, ये राधिका को देख के आओ। पर अम्मा जी, न्योछावर के पैसे तो नौकरानी को दिए जाते हैं ना? वही तो किया है। तो कुछ मत बोल, मुझको सब मालूम है बुरी नजर से कैसे बचना है। कितनी सुंदर लग रही है हमारी बिटिया। राधे राधे राधे। बेटा अब बारात आने का समय हो रहा है, तुम लोग भी जाकर देखो सारी तैयारियां ठीक से हो गई हैं या नहीं। चलिए दे भैया, घोड़ी कब से खड़ी है? अरे ठहरो भाई, घोड़ी चढ़ने से पहले काजल तो लगाओ दूल्हे को। काजल? अरे हाँ भाई, बुरी नजर से बचाने के लिए। बुरी नजर से बचने के लिए? अरे हाँ, बुरी नजर से बचने के लिए थोड़ा सा टीका लगाएंगे। कोई मुंह थोड़ी ना काला कर देंगे आपका है? अच्छा आप चुप भी कर, बकर बकर किए जा रहा है। बेटा जाओ तुम रिनाजी को बुला लाओ, एक बार काजल लग जाए तो बारात निकले। बहुत देर हो चुकी है, दीपिका भी तो भाभी है, उससे लगवा लीजिए। और नहीं तो क्या, हमें थोड़ी ना मौका मिलना है किसी देवर को काजल लगाने का। और फिर नेक भी तो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, लो बेटा लीजिए।
बात है? आपने मुझे बुलाया माँ जी? जी जी, देखो तो जरा देवर जी को काजल लगाने का क्या बढ़िया नेक मिला है हमें। था तो आपके लिए भाभी, पर आपने आने में थोड़ी देर कर दी। तो क्या हुआ देवर जी, हमें तो वैसे ही आपके ससुराल वालों से गिफ्ट मिलने ही वाला। हाँ, हीरो का हार ना सही तो जपने वाली माला ही सही। रश्मि भाभी, वो जाप करने वाली माला ना बहुत काम आएगी। अरे भाई चलो, देर हो रही है, लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ चलिए देव भैया चलिए। बिल्कुल राजकुमारी लग रही है हमारी बिटिया। मुझे बचपन से शकुंतला की कहानी बहुत पसंद है। वो भी आश्रम में पली बड़ी कन्या थी जो महलों की रानी बनी। तू भी निर्धन कुटिया में पली है और पुरोहित जी के महलों में जाने वाली है। शकुंतला को उसके पिता ने आश्रम से विदा होते समय 5 बातें कही थी। आज वही बातें मैं तुझे बता रहा हूं। बड़ों का सदा आदर करना। वहां यदि किसी से अनबन हो जाए तो उससे भी प्रेम का व्यवहार करना। पति पर कभी क्रोधित नहीं होना। नौकरों को कभी अपने से नीचा नहीं समझना बेटा। वहां जाकर तुझे जो मान सम्मान ऐश्वर्य मिले उस पर कभी अभिमान नहीं करना। बहू अगर आज्ञाकारी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और यदि बिना बात हट करे तो घर नरक हो जाता है। बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तू ससुराल जाकर कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसके कारण तुम्हारे पिता का सर नीचा हो। खुशी खुशी कर दो।
सोए जाने किस बात पर मन खुश भी है बेचैन भी उलझन कैसी दिन रात की अब तो